पर हम बात करें, बीजेपी ने आज अपनी जो लिस्ट है जारी कर दिया 68 सीटों पर, और फिलहाल अगर हम सीटों को देखें तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, बीजेपी ने पुराने सिटिंग विधायक हैं उन्हीं के ऊपर ही एक बार फिर से दाव खेला है। और जिस तरह से अगर हम बात करें सबसे जो पेचीदा सीटें थी उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो मंथन करने के बाद जो सीटों को आगे जारी किया गया, जैसे शिमला ग्रामीण से प्रमोद शर्मा पर दाव खेला, कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा जो एक विक्रमादित्य के लिए खतरा जरूर हो सकता है, क्योंकि प्रमोद शर्मा का जो शिमला ग्रामीण है सुन्नी एरिया में काफी ज्यादा दबदबा है और एक टफ फाइट जरूर हो सकती है। उसके साथ साथ जिस तरह से हम बात करें शिमला जो शहरी है वहां से एक बार फिर से जो सिटिंग कहते एमएलए है सुरेश भारद्वाज पर एक बार फिर से दाव खेला गया है, और जिस तरह से पहले बात कही जा रही थी कि महिलाओं को टिकट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल पूरी जो 88 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही है जहां पर एक बार महिलाओं को फिर से उन्होंने मैदान पर उतारा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने इस पूरी जो 68 सीटें हैं अपने टिकट्स को सामने रखा है, एक तरह से नपीतुली और बिल्कुल मजबूत जो दावेदारी है बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी तरह से 68 सीटों पे रखी है।